Peripheral. Peripheral means what? Now, I'm emphasizing on, please try to understand whatever has been told to you. आपको जो बोला गया है आप समझ सकते हैं. You are an Indian. You are intelligent people. You are not a Firangi. The most foolish kind of people humanity has seen is a Westerner, Gora, जिसने अपने ही अपने environment को खराब कर दिया. अपने पांव पे कुल्हाड़ी कौन मारता? एक सबसे बेवकूफ इंसान ही मार सकता. तो आप लोग भारतीय हैं, यू आर इंडियन, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना. ये अंग्रेजी के ऐसे ऐसे वर्ड सुन के परेशान मत हो, ये उसे अपनी लैंग्वेज में ट्राई टू अंडरस्टैंड इन योर लैंग्वेज इन योर सेंस. पेरिफेरल न्यूरोपैथी मीन्स वॉट? आपके शरीर के बाहरी हिस्से में, द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, द नर्व, द नर्व हैव लेस सेंसेशन. बाहरी जो नसें हैं आपके शरीर की, उनमें उनकी सेंसिटिविटी कम हो गई है. सेंसेशन हैज बिकम लेस. पेरिफेरल न्यूरोपैथी. व्हाई सेंसेशन हैज बिकम लेस? सेंसेशन कम क्यों हो गया? वन थिंग, दे आर नॉट रीजेनरेटिंग. वो वापस नहीं बन रहे, वो खराब हो रहे हैं, वापस नहीं बन रहे. न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा लास्ट में पहुंचेगा ना. न्यूट्रिशन विल रीच थ्रू द पेरिफेरी इन द एंड. Your metabolism is anyway weak. So your regeneration factor is weak. Diabetes, metabolic issue. Thyroid, metabolic issue. Metabolic issue is weakening across the vertical or across the strata of disease. So agar aapka metabolism theek nahi hai, to regeneration nahi hoga nervous system ka. There is no medicine to regenerate your nervous system. कोई दवाई बनी नहीं सकती. एवरी मेडिसिन दैट यू टेक विल डीजेनरेट योर सिस्टम. इट विल क्रिएट डिफिकल्टी इन योर बॉडी बिकॉज योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल मेडिसिन. यू डोंट पुट डीजल इन पेट्रोल व्हीकल. पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हैं क्या? व्हाई? इट इज नॉट डिजाइंड फॉर डीजल. योर बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल मेडिसिन. अदरवाइज दोज मेडिसिन वुड बी हैंगिंग इन दैट ऑन द ट्री ना. पेड़ पे लटके होंगे ना, होते ना आपकी दर्द की गोलियां और इंजेक्शन और सारे, अगर आपका बॉडी बना होता उसके लिए. तो यू गेट दोस, डू यू डू कल्टीवेट दोस मेडिसिन? क्या आप उसकी खेती करते हैं? नहीं करते ना. तो ये बॉडी इज नॉट डिजाइंड फॉर केमिकल्स. नाउ यू आर टेकिंग केमिकल्स फ्रॉम द इन्फेंट स्टेट. बच्चे थे तब से आपको केमिकल दिया गया है. सो योर मेटाबोलिज्म हैज बिकम वीक. आपके शरीर का मेटाबोलिज्म, योर बॉडी हैज गॉट इनटू, एवरी टाइम यू पुट इन सम काइंड ऑफ अ केमिकल, योर बॉडी गेट्स इनटू रिस्क. योर बॉडी गेट्स इनटू रिस्क, राइट? तो आप जब रिस्क में आएंगे, व्हेन यू गेट इनटू रिस्क, योर बॉडी फंक्शन विल बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर. इट ऑलवेज गोज टूवर्ड्स मिटिगेटिंग द रिस्क. इट इज नॉट अ नॉर्मल फंक्शन दैट योर बॉडी इज डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एवरी मोमेंट योर बॉडी इज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव. यू आर पुटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यू आर पुटिंग केमिकल्स, योर एनवायरमेंट इज नॉट द एनवायरमेंट विच वॉज 100 years बैक. जिस एनवायरमेंट में आप, जिसमें पैदा होते हैं, ह्यूमन बींग्स पैदा होते हैं, वो एनवायरमेंट खराब हो गए. सो लॉट ऑफ रिस्क इन साइड द बॉडी. Now, if there is a lot of risk inside the body will struggle to do normal functioning. है ना, आपके घर में रिस्क होगा तो आप तो रिस्क को देखोगे ना पहले. खतरा आएगा तो आप खतरे से जूझोगे ना. आप नॉर्मल कामकाज तो नहीं करोगे. So, the body actually is in risk. That is why it is increasing blood pressure and blood sugar. Blood pressure और blood sugar क्यों बढ़ रहा है लोगों का? क्योंकि आप यही रिस्क को कम करने का तरीका है बॉडी का. फाइट और फ्लाइट. खतरा आएगा तो क्या करेंगे? या लड़ेंगे या भागेंगे. फॉर दैट, फॉर फाइटिंग और रनिंग अवे, व्हाट डू यू नीड ग्लूकोज, यू नीड अ लिटिल प्रेशर इनसाइड योर बॉडी. तो ये दो चीज तो कॉमन है ना, बढ़ रहा है सबका, बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ रिस्की एनवायरमेंट इकोसिस्टम. तो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं हो रही. नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होगी तो रीजनरेशन नहीं होगा. नाउ रीजनरेशन एंड डीजनरेशन हैज टू हैव अ बैलेंस. आपके शरीर में कोई चीज का पैदा होना और कोई चीज का खत्म होना, इसका बैलेंस होना चाहिए. इफ दिस बैलेंस गोज ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. नाम सुना है ना आपने?
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून सिंड्रोम, नाम सुना है ना आपने? आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी को क्या बोलेंगे? इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रीजेनरेशन एंड डीजेनरेशन नहीं हो रहा, तो रीजेनरेशन करवाना कैसे है? हाउ डू यू थिंक, डू यू थिंक यू आर इनहेलिंग प्रॉपर? क्या आपको लगता है कि आप अच्छी सांस ले रहे हैं? नो, गो इन अ पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, थोड़ा डीजल की गाड़ी धुआं दे रही है, वहां जाके जरा सांस लेके देखो, सांस नहीं आएगी, यू विल नॉट बी एबल टू, रादर योर बॉडी विल स्टॉप ब्रीदिंग। तो आपने जब एनवायरमेंट खराब कर दिया तो कोई भी सांस नहीं ले रहा ठीक से। सो द स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ द बॉडी इज वीक, आपके शरीर का खतरों से जूझने की शक्ति भी कम है, इम्यूनिटी भी वीक है। रीजेनरेशन विल नॉट हैपन प्रॉपरली, एवरीबडी विल गेट इन टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। पूरी ह्यूमैनिटी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की तरफ में जा रही है। नाउ व्हाट कैन प्रोटेक्ट यू, आपको कौन बचा सकता है इस वक्त में, आपको कौन बचा सकता है? दिस इज जस्ट लाइक ऑल द फैक्टर्स आर पुलिंग यू और पुशिंग यू, कोई भी चीज आसपास में जो है वो आपको या तो धक्का दे रही है या तो खींच रही है। कोई आपको धक्का देता है तो बचने के लिए क्या करते हैं? इफ समबडी पुशेस यू, व्हाट विल यू डू टू स्टैंड स्ट्रेट? यू विल होल्ड योर ब्रेथ। अदरवाइज डू दिस एक्सपेरिमेंट, ये करके देखिए, किसी को बोलिए आपको धक्का देने के लिए, आप खड़े कैसे होंगे, वापस उसी स्थिति में कैसे बने रहेंगे? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, बाय होल्डिंग योर ब्रेथ योर इम्यूनिटी इंक्रीजेस। दिस इज कुंभक, कुंभक इंक्रीजेस इम्यूनिटी, कुंभक इंक्रीजेस द रीजेनरेटिंग फैक्टर ऑफ योर बॉडी। सो योर नर्वस सिस्टम, द मोमेंट इट स्टार्ट रीजेनरेटिंग, यूल स्टार्ट सेंसेट, द सेंसेशन विल कम ऑन इट्स ओन। सो वी हैव केसेस लाइक पैरालिटिक पर्सन गेटिंग सेंसेशन बैक बाय ऑलमोस्ट 95-96%। पैरालिसिस हो गया था, कोई सेंसेशन नहीं था, उनका सेंसेशन वापस आ गया। ऐसे कई केसेस हैं, न्यूरोपैथी, माइस्थीनिया ग्रेविस, बोटॉक्स का इंजेक्शन देते रहते हैं उसके लिए, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दिस। सो माइस्थीनिया ग्रेविस, इट्स अ न्यूरो डीजेनरेशन प्रॉब्लम। सो बाय डूइंग कुंभक, योर माइस्थीनिया ग्रेविस गेट्स कंट्रोल। लॉक जॉ, वॉइस इश्यू, ऑल दोस, ड्रॉप फुट, ये सब हमारे पास में आते हैं और ये ठीक होते हैं। तो अगर आपको न्यूरोपैथी को ठीक करना तो दवाई नहीं है उसके लिए, देयर इज नो मेडिसिन फॉर न्यूरोपैथी। रीजेनरेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा अपनी बॉडी का। वो कैसे, हाउ विल इंक्रीज द रीजेनरेशन और रीजेनरेटिव फैक्टर? कुंभक, थ्रू कुंभक यू कैन इंक्रीज योर रीजेनरेटिव फैक्टर एंड यू विल सी द पेरिफेरल न्यूरोपैथी विल सबसाइड डाउन, नीचे आ जाएगा।